हेलो यार गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आ गया हूँ अपनी छत पर और अपने हाथ पर बनाने वाला हूँ एक फायरबॉल। गाइस आपको पता है, कहीं पर भी आग लगाने के लिए हमें जरूरत होती है फ्लेमेबल मैटर की। वो फ्लेमेबल मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हम अपने हाथ पर फायरबॉल बनाने के लिए यूज करने वाले हैं गैसियस मैटर का, और वो गैस एसिटिलीन भी हो सकती है, एलपीजी भी हो सकती है, या ब्यूटेन गैस भी हो सकती है। तो हम अपने उस गैस को अपने हाथ पर रोक तो नहीं सकते, इसीलिए हमें पहले उसे किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करना होगा जो उसे रोक कर रखे। तो हम उसे बबल के फॉर्म में बदल देंगे, और बबल के फॉर्म में उस फ्लेमेबल गैस को बदलने के लिए हम जो सेटअप यूज कर रहे हैं, मैं उससे आपको मिलवाता हूँ। तो आप नीचे देख सकते हैं, मैंने लिया हुआ है ये बकेट। इस बकेट में है पानी, और इस पानी में मैं डालूंगा ये हाईली कंसेंट्रेटेड सोप सोल्यूशन। इससे होगा कि ये जो पूरा सोल्यूशन है ये सोपी हो जाएगा, इसमें झाग हो जाएगा, और उसके बाद इस डीओ को, इस परफ्यूम को हम इसके अंदर ले जाकर के स्प्रे करेंगे, ऑन करेंगे, तो इसकी जो गैस है वो इसके ऊपर बबल के रूप में स्टोर हो जाएगी। उन बबल्स को अपने हाथ से उठाएंगे और इस लाइटर की मदद से उसमें आग लगा देंगे, तो हमारा जो हाथ है वो एक फायरबॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस, सुनने में जितना मजा आ रहा है, करने में भी उतना ही मजा आएगा, लेकिन आप ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये काफी डेंजरस है। इसके अंदर मैं डालता हूँ इस परफ्यूम को, इसके अंदर डाल के इसको पंप अप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके जो बबल हैं वो ऊपर आ चुके हैं। मेरे को इसके बबल देखिए, सोप में एक व्हाइटिश कलर आ रहा है, और इसके बबल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये बबल फ्लेमेबल होंगे। अब मैं इनको अपने हाथ पर उठा लेता हूँ आराम से, और अब कोशिश करता हूँ इनमें आग लगाने की। आपने देखा, मेरे हाथ में आग लगी, और अब मैं इसी चीज को बड़े स्केल पर ट्राई करूंगा। तो गाइस, मैं फिर से इस परफ्यूम को इसके अंदर डाल रहा हूं, और इस बार कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी ज्यादा गैस बनाऊं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे छोटे छोटे बबल्स यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, और ये सब फ्लेमेबल हैं, सारे के सारे फ्लेमेबल। हाथ पर लेना चाहता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो, इस बार कई सारे हैं, इस बार शायद थोड़ा मजा आएगा। So 3, 2, 1. थोड़ा गर्म तो लगा है, लेकिन ठंडा पानी है इसलिए वो गर्म बर्दाश्त कर ले रहा है हाथ। तो गाइस यार, काफी अंधेरा हो गया है, और हमको फ्लैश भी ऑन करने पड़ गए हैं अपने कैमरास के। तो अब हम चलते हैं नीचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।